तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे आप फेसबुक में एक पब्लिक ग्रुप क्रिएट करेंगे। पूरा प्रोसेस मैं आपको आज के इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं। सो वीडियो में एंड तक बने रहे, और आपने अभी तक हमारा इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों फेसबुक ग्रुप क्रिएट करने के लिए पहले आपको फेसबुक अकाउंट को ओपन करना है। ओपन करने के बाद देखिए राइट साइड में कोने में ऊपर जो 3 लाइन है उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये इंटरफेस आएगा, और यहाँ देखिए आपको एक ऑप्शन मिलता है ग्रुप्स। तो ग्रुप्स जो ऑप्शन है उसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने ये इंटरफेस आएगा, और इस इंटरफेस में देखिए ऊपर जो क्रिएट साइन है मतलब प्लस मार्क है उसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको नीचे दो ऑप्शन दिखाई देगा, पहला है क्रिएट ए पोस्ट, दूसरा है क्रिएट ए ग्रुप। तो हमें सेकेंड ऑप्शन पे क्लिक करना है क्रिएट ए ग्रुप। क्रिएट ए ग्रुप के ऊपर क्लिक करने के बाद देखिए ये इंटरफेस आएगा। इस इंटरफेस में सबसे ऊपर हमें ग्रुप का नेम देना है, लिखा है नेम योर ग्रुप। तो मैं मेरा YouTube चैनल का नाम से ये ग्रुप क्रिएट करूंगा। मेरा YouTube चैनल का नाम है शॉर्ट ज्ञान, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ शॉर्ट ज्ञान। आप कुछ अलग भी लिख सकते हो जो कि आपको पहले से सोच के रखना चाहिए। और दूसरा ऑप्शन है प्राइवेसी। प्राइवेसी में आपको दो ऑप्शन मिलता है, पहला है पब्लिक और दूसरा है प्राइवेट। तो पब्लिक करेंगे तो आपका जो पोस्ट है आपका जो ग्रुप है वो सभी को दिखेगा, और प्राइवेट करेंगे तो ये सभी से हाइड रहेगा। जो आपका मेंबर होगा सिर्फ वही आपका पोस्ट को देख पाएगा। तो मैं पब्लिक कर लेता हूँ। आपके ज़रूरत के अनुसार पब्लिक कर सकते हो और प्राइवेट भी कर सकते हो। तो पब्लिक के साथ मैं आगे बढ़ता हूँ। तो इस तरह प्राइवेसी सिलेक्ट करने के बाद आपको देखिए नीचे एक ऑप्शन शो होगा क्रिएट ग्रुप। तो क्रिएट ग्रुप के ऊपर क्लिक करना है, और इसके बाद ये पेज आएगा। इस पेज में आपका ग्रुप में किसी को भी इनवाइट कर सकते हो। आपका फ्रेंड लिस्ट में जितना सारे फ्रेंड है वो अभी आपको यहाँ दिखेगा। यहाँ से आप किसी को भी इनवाइट कर सकते हो। तो मैं फॉर एग्जांपल 2 लोगों को इनवाइट कर देता हूँ। यहाँ से देखिए इस तरह आपको इनवाइट कर लेना है। तो इस तरह इनवाइट करने के बाद राइट साइड में ऊपर कोने में देखिए जो नेक्स्ट बटन है, नेक्स्ट पे क्लिक करके नेक्स्ट करना है। और इसके बाद ये पेज आएगा। इस पेज में आपको एक कवर फोटो अपलोड करना है। कैसे, आपको कवर अपलोड फोटो के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप इस तरह गैलरी में आ जाएंगे, और यहाँ से आपको एक फ़ोटो को सिलेक्ट करना है जिस फोटो को आप कवर फोटो की जगह यूज करना चाहते हो। उसके ऊपर क्लिक करना है फोटो के ऊपर। फोटो के ऊपर क्लिक करने के बाद इस तरह इंटरफेस आएगा, और इस इंटरफेस में आपको सेव ऑप्शन में क्लिक करके आपको सेव कर देना है। और अभी आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद ये पेज आएगा। इस पेज में आपको एक ग्रुप का डिस्क्रिप्शन देना है, मतलब इस ग्रुप में आप क्या पोस्ट करेंगे या क्या कुछ शेयर करेंगे आपका मेंबर के साथ। तो मैं यहाँ टेक रिलेटेड वीडियो पोस्ट करूँगा, सो लिख देता हूँ मैं पब्लिक टेक रिलेटेड वीडियो ऑन दिस ग्रुप। तो मैं ये लिखने के बाद मुझे फिर से नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद ये पेज आएगा, और ये पेज में आपको 6 ऑप्शन मिलता है। यहाँ से आपको एक ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। किसी भी ऑप्शन को आप रैंडमली सिलेक्ट कर सकते हो। तो मैं सबसे नीचे जो ऑप्शन है उसे सिलेक्ट करूँगा, समथिंग एल्स। और सिलेक्ट करने के बाद इसके बाद हमें नीचे नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद देखिए ये पेज आएगा। इस पेज में आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। नीचे जो डन ऑप्शन है, डन ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देखिए आपका जो ग्रुप है फेसबुक ग्रुप वो क्रिएट हो जाता है फाइनल। तो दोस्तों ये है पूरा प्रोसेस एक फेसबुक ग्रुप क्रिएट करने का, और इस प्रोसेस को अप्लाई करके आप एक नया ग्रुप क्रिएट कर सकते हो फेसबुक में। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में तक, फिर मिलेंगे आगे वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।